हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से यानी कि 2-3 दिनों से आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिल रही होगी। उसका कारण दोस्तों ये था कि मेरी 3-4 दिन से तबीयत सही नहीं चल रही है, मुझे बुखार आ गया था, तो इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे पास काफ़ी सारी जानकारियाँ जो इकट्ठी हो चुकी हैं, तो अब मैं एक एक करके आपको रोज़ जानकारियाँ देता रहूँगा। तो वीडियो पर अगर आप ड्राइवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं ड्राइवर संबंधित और डॉक्यूमेंट संबंधित, लाइसेंस संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं अपने चैनल पर देता रहता हूं। तो अगर आप एक ड्राइवर हैं या फिर गाड़ी के मालिक हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना चाहिए दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के क्या हम अपना LMB लाइसेंस बना सकते हैं दोस्तों? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन दोस्तों बना तो सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन साइबर कैफे से बन जाता है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस की जो क्लास होती है, जो टेस्ट होता है, जो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, वो टेस्ट देना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है और आपका लर्निंग लाइसेंस बन के यानी कि उसका प्रिंट आउट निकल के आपके सामने आ जाता है, उसके 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीने का समय होता है दोस्तों, 1 महीने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं हम परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए, तो दोस्तों आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, जिसे स्किल टेस्ट बोलते हैं। अब स्किल टेस्ट देने के लिए आपको RTO ऑफिस में जाना पड़ता है, और वो स्किल टेस्ट आप जब पास कर लेते हैं तभी आपका परमानेंट लाइसेंस बनता है। लेकिन उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं ड्राइवर भाइयों को स्किल टेस्ट देने में। मैंने खुद देखा है कि जो 10 साल पुराने ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, आप समझ सकते हैं, तो 10 साल पुराना कमर्शियल ड्राइवर जो होता है वो फेल हो सकता है, तो नया ड्राइवर कैसे नहीं फेल होगा। तो मैंने खुद अपने दोस्त का कराया था दोस्तों, वो 10 से 15 साल पुराना ड्राइवर था, और वो जब स्किल टेस्ट देने गया था दोस्तों, 2 बार फेल हुआ, 3री बार जुगाड़ से उसने अपना जो है ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। तो मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब जो है बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस बन सकता है, जैसा कि आपने सुना, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और सरकार का क्या नियम है, तो दोस्तों जान लीजिए। बिना ड्राइविंग टेस्ट के अगर आप अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा होगा IDTR देखा होगा, या फिर आप जानते होंगे दिल्ली में काफ़ी जगह मान्यता प्राप्त जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, या तो आपने मोटर ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेना है, या फिर आप जैसे कि IDTR होता है, जैसे सरायकालिखा में है, लोनी में है, बुराड़ी में है, एवं अन्य जगहों पर भी है। तो दोस्तों ये मारुति सुजुकी कंपनी होती है, ये चलाती है IDTR, दिल्ली में चलाती है, दिल्ली से बाहर भी चलाती है, सभी राज्यों में मैंने देखा होते हैं IDTR होते हैं जो मारुति सुजुकी कंपनी चलाती है, तो इसी प्रकार से दिल्ली में भी दोस्तों चलाती है। तो आपको क्या करना है, या तो आपने प्राइवेट जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वहाँ आपने एडमिशन लेना है। इसकी जो भी 25 से 30 दिन की जो क्लास होती है, वो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, और वहाँ से आपको गाड़ी सीखनी है। जब आप वहाँ से आप गाड़ी सीख जाते हैं, सीखने के बाद वो स्कूल वाले आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। जब आप परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है कि आपने गाड़ी कहाँ से सीखी है, उस ऑप्शन में वो जो सर्टिफिकेट आपको स्कूल ने दिया है, वही स्कूल का सर्टिफिकेट आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसमें सारी जानकारी होती है कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे गाड़ी सीखी है, इसका एनरोलमेंट नंबर क्या था, और किस डेट से इसने शुरू किया था, और किस डेट तक इन्हें ड्राइविंग सीखी है। उसके आधार पर सारी जो उसका आपकी रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड वो अथॉरिटी से लिंक होता है, वहाँ से जो भी आपका रिकॉर्ड होता है मोटर ट्रेनिंग स्कूल से, वहां से सीधा RTO में भेज दिया जाता है, और वहां से वो चेक कर लेते हैं हाँ ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं है, और उसकी उसको वेरीफाई करने के बाद उसको पास कर दिया जाता है, उसका कोई भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाता। इस प्रकार से बिना ड्राइविंग टेस्ट के आपका जो LMB लाइसेंस बन जाता है दोस्तों। तो यही तरीका था, जैसे आपने कई बार आपने वीडियो भी देखी होंगी कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के आप लाइसेंस बनवाएं, तो दोस्तों बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस इस प्रकार से बनता है, वहां पे टेस्ट नहीं लिया जाता, आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जो गाड़ी सीखते हैं वहीं आप सीखते सीखते ही परफेक्ट ड्राइवर बन जाते हैं, उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपका लाइसेंस बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 5 साल के लिए होती है, और 5 साल के बाद आपको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं बिना RTO में ड्राइविंग टेस्ट दिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।